Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut ke dhoor ke rehne wale aloo vyapari ka Amroha jile ke kisanon se dhokhadhadi ka bada mamla samne aaya hai. Kisanon ke 18 se 20 lakh rupaye lekar aloo vyapari Raza farar hai. अपने पैसों की मांग करते हुए अमरोहा से तमाम किसान मेरठ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और रजा की तलाश कर उनके पैसे वापस दिलाने की गुहार लगाई। अमरोहा के हसनपुर निवासी मोहम्मद शहजाद ने बताया कि मेरठ किठोर के ईसापुर गांव के रहने वाले रजा व कामिल दोनों भाई आलू के थोक व्यापारी हैं, जो आलू की खुदाई के दौरान ही किसानों से आलू खरीद लेते हैं। वह पिछले 4 सालों से आलू खरीदते आ रहे हैं और समय पर भुगतान भी कर देते हैं। इस बार भी दोनों भाइयों ने गांव के कई किसानों से आलू खरीदे, लेकिन अब की बार भुगतान नहीं किया। कई बार उनको फोन किए गए, कई मरतबा उनके घर भी गए, लेकिन वह हर बार अलग अलग बहाने करके टाल देते हैं। उसने बीती 15 तारीख को पैसे देने के बहाने अपने घर बुलाया। किसान लोग कई घंटे उनके घर भी बैठ कर आए, लेकिन वह नहीं मिले। बल्कि उसने 2 दिन बाद किसानों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। सुनिए पीड़ित शहजाद से मिली जानकारी। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद जी, जनपद अमरोहा, जिला अमरोहा के रहने वाले हैं, हसनपुर के काले खेड़े में एक व्यापारी, किठोर का व्यापारी है, ईसापुर गांव का, जिसका नाम रजा है। वो हमारे यहाँ पर 4 साल से आलू का व्यापार करता था और लोग उसे आलू भी देते थे, लेकिन इस बार उसने दिसंबर के लास्ट में आके लोगों का 18 से 20 लाख रुपया रोक लिया। जब उसने पैसा रोक लिया, उसके घर पर आते हैं हम तो मिलता नहीं, इधर की बातें करता उधर की बातें करता। 15 तारीख में उससे बात हुई, उसने कहा कि आप घर पर आ जाओ, मुझे लॉस हो गया 10-20% कम करके और आपका पैसा मैं बचा दूंगा। तो हम उसके घर पर आए, वो घर पर नहीं मिला। हम सुबह 6 बजे मॉर्निंग में आ गए थे, फिर उसके घर पर 11 बजे तक रहे। जब हम उसके घर पे 11 बजे तक रहे, फिर घर चले गए, 14 लोग आए थे घर पे उससे। जब वहाँ पे जाकर चले गए तो 18 तारीख में उन्होंने हमारे नाम पर मुकदमा दर्ज कराया, 4 लोगों के नाम। और मुकदमा दर्ज कराया, मुकदमा सर ये कराया कि घर में घुस के मारपीट की है। आपने इसकी शिकायत वहाँ नजदीकी थाने से नहीं की? हमने अपने यहाँ पे थाने से की थी, उन्होंने कह दिया आप अमरोहा जाओ। अमरोहा गए थे हम कप्तान साहब के यहाँ पे, कप्तान साहब ने भी हमें फिर हसनपुर भेजा, फिर हसनपुर गए, फिर हसनपुर से हमें फिर यहाँ पे मेरठ भेज दिया उन्होंने। अभी आप यहाँ कप्तान ऑफिस आए हैं यहाँ जी? कप्तान साहब के यहाँ आए, ने अपनी समस्या बताई है हमें, ये कह रहे हैं आपका इंसाफ मिलेगा तुम्हें। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट फाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।